मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज के इस ब्लॉग को हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं और आज के इस ब्लॉग का इंट्रो देने वाले हमारे राहुल, बोलो। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी फरार। वेरी गुड, आगे तेरे को है ना। तो मेरे इंट्रो देने के बार बार रिपीटेशन से इसको भी अभी लर्न हो चुका है कि हमारा चैनल का जो इंट्रो है। तो आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, थोड़ा ब्लॉग लेट शुरू हुआ है और आज के बोधिसत्व दिनदर्शिका से एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आज के दिन आखिर क्या हुआ था। और बहुत ही एक अभी हेल्थ केयर वर्कर बहुत ज़्यादा ताकत से काम कर रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और उनके लिए एक बहुत खास दिन आज का है, वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी मैं इस बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में आता हूँ, मुझे एक नया इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि हर बार हर दिन एक नया नॉलेज मिलता है जहाँ से हमारे फुलेश्वर और तमाम बहुजन महापुरुष जो हुए उन्होंने कुछ न कुछ जो काम किए हैं उससे एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि आज के दिन बाबा साहब कहाँ पर होंगे, आज के दिन महात्मा फुले क्या काम कर रहे होंगे, बाबा साहब के दिमाग में उस समय में क्या वर्किंग स्टाइल चल रहा होगा। ये तरीके तरीके के जो सवाल है, ये सवालों के जवाब कहीं ना कहीं इस बोधिसत्व दिनदर्शिका से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की जो तारीख है वो है 12 मई, और देखते हैं 12 मई को क्या हुआ था। 1956 में बीबीसी आकाशवाणी से मुझे बुद्ध धम्म क्यों प्रिय है विषय पर भाषण, बुद्ध धम्म क्यों बाबा साहब को प्रिय है इसके ऊपर मैं उन्हें भाषण दिया था बीबीसी में। और बीबीसी जो है वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है 5:00 और अभी आया हूँ अपने घर के टेरिस पर। थोड़ी देर पहले सोकर उठाऊ और ये नींद लगने वाली जो आदत है वो कहने के लग चुके, जिसको छोड़ने का मैं लगातार अपना ट्राई कर रहा हूँ। शायद लगता है कि इसको भी 21 दिन लग जाएंगे। आज की तारीख है 12 मई और 12 मई 1820 को जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका, और इनके जयंती के अवसर पर पूरे दुनिया के अंदर में मनाया जाता है वर्ल्ड नर्स डे। ये है कि अगर मैं एक हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का ब्रेन डॉक्टर है तो उस हॉस्पिटल का जो हार्ट है, वो जो दिल है, वो नर्सेस होती है, क्योंकि उनके ही कारण जो पूरा हॉस्पिटल है वो चलना पॉसिबल हो पाता है। राहुल मोहित क्या कर रहे हो? टीवी देख। इनका टीवी देखना शुरू है। अच्छा, थोड़ा टीवी का आवाज़ कम करो। राहुल तुझे पता है कि पिछले वाले ब्लॉग में काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि तूने जो मम्मी के लिए जो मदर्स डे के लिए जो बोला था ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद आया सही में, हाँ क्या पता है? तो अभी पिछले वाले ब्लॉग में हमने रोमन नंबर्स के बारे में बात किए थे, हाँ। है ना। तो मैं अभी रैंडमली तुझे कुछ रोमन नंबर्स पूछता हूँ, बताना। बता सकता है? हाँ। ठीक है, 25 का क्या होगा रोमन नंबर? XXV। 50 का? L। 100 का? C। 6 का? 6 का VI। 6 का क्या होगा? VI। अच्छा, VI होगा, है ना। तो मोहित ने इसका आंसर दिया है। उसके बाद में 15 का? 15 का XIV। अच्छा, XV। ये चार्ट लगे हुए हैं, है ना, इसका यूज हो रहा है ना बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से अपना टीवी भी देखो, पढ़ाई भी करना है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए। पास तो हो गए तुम लोग, है ना, लेकिन बुद्धू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो बुद्धू होंगे क्या अपन? नहीं, नहीं। चल, तो कोरोना के समय में अगर हम बात करें तो एक हेल्थ केयर सिस्टम को अगर हम एक अच्छी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो 21 सेंचुरी है 2021 में क्या हो सकता है। हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जहां पर हम गांव-गांव के अंदर में 2 से 3 बसें भेजे, जिसके अंदर में पूरी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हो, वहां पर MBBS डॉक्टर हो, वहां पर नर्स हो, वार्ड बॉय हो, और साथ ही साथ वहां पर लेबोरेटरी भी हो। सारी चीजें जो फैसिलिटीज है ये एक बस के अंदर में प्रोवाइड की जाएगी, और वो बसें हम अगर गाँव के अंदर भेजेंगे तो इस तरीके का ट्रीटमेंट देके क्या होगा कि वो सारे जो लोग है वो इजीली तरीके से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा और वो सारी चीजें उनको फ्री में भी मिलेगी। अब मेरी बात सुनकर आपको ये लग रहा होगा ना कि ये चीजें कैसे पॉसिबल है और ये चीजें कैसे हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती है नहीं, ये चीजें हो चुकी है। अब ये बताने से पहले आप ये 2-4 फोटोज देखिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो आपने ये जो फोटोज देखे, ये फोटोज वही फोटोज है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी के अंदर में रही, और इसलिए यूपी के लोग ये बात कर रहे हैं कि यूपी से योगी को हटाओ और यूपी बचाओ। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार का ये डेवलपमेंट देकर उन्होंने इन तमाम बसों को बंद कर दिया। अभी अगर सोचिए ये बस अगर शुरू रहती तो इस कोरोना के समय में कितनी मददगार साबित होती।
कि आप अपने आप को लायक मानते हैं। अगर आप अपने आप को लायक मानते हैं तो आपके लिए बाबा साहब एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं, लायक लोग अगर जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक नालायक लोग हमारे ऊपर में राज करते रहेंगे, और इसलिए हमारे जो लायक लोग है वो क्या कहते हैं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुजन समाज के लोगों ने पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स से अच्छे लोगों का काम ही नहीं है। अरे जिनको कोई काम नहीं होता वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, और पढ़े लिखे लोगों ने तो ना राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। और इस तरीके की जो बातें करने वाले जो लोग है ये अक्सर हमारे पढ़े लिखे लोग ही है, और साथ ही हमारे यंगस्टर्स भी। जिस राजनीति को लेकर आपके दिमाग में इतने सारे सवाल है मेरे भाई, इस बात को समझिए कि तुम्हारे हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जितने भी अधिकार दिए ये सभी के सभी अधिकार हमको पॉलिटिक्स से दिए हैं, और इसी पॉलिटिक्स से हम भागना चाहते हैं। बाबा साहब ने आजीवन सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, और उसी पॉलिटिक्स से हमको भारतीय संविधान दिया, हमारे एजुकेशन में हमको रिजर्वेशन दिया, सारे चीजें जो हमको प्रोवाइड हो रहे हैं ये सारे के सारे पॉलिटिक्स से है। और पॉलिटिक्स हम जब तक के हमारे समाज के लोग नहीं करेंगे, हमारे समाज के युवा जब तक के पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक के एक नया नेतृत्व समाज को नहीं मिलेगा, और जब तक के नया नेतृत्व समाज को नहीं मिलेगा तो समाज दिशाहीन रहेगा, और जो समाज दिशाहीन रहता है उसकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते जाती है। और बहुजन समाज की इतनी सारी तकलीफें हैं उसके पीछे में पढ़े लिखे लोग और अपने आप को लायक समझने वाले जो लोग हैं उनकी नाकामयाबी के कारण है कि नालायक लोग हमारे सर के ऊपर बैठकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि कैप्चर द पॉलिटिकल पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, हमको अपनी तमाम तरीके की समस्याओं को अगर खत्म करना है तो हमको पॉलिटिकल पावर को अपने हाथों में लेना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, ये बात बाबा साहब ने कही थी। आप अगर बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बाबा साहब की बात को अगर मानते हैं, और अगर राजनीति आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप बाबा साहब के विरोधक हैं। और जिनको भी मेरी बातों का बुरा लगा उन सभी को मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। हम जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने वाली बात मैं करता नहीं, और ऐसे ही हम ब्लॉग करते हैं। व्लॉग करते करते ये मुझे कब पता ही नहीं चलता कि कब इतने बड़े बड़े व्लॉग्स हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं और अभी भी हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जो इसका फायदा उठा रहे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, बताइए आज के व्लॉग में कौन कौन सी चीज आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहते आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताते रहूँ तो शेयर करेगा। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।